इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको अपने एमएस टीम की जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं, आप किसी मीटिंग में हो या फिर आपने वैसे किसी के साथ कॉल पे अपनी रिकॉर्डिंग की है उस कॉल की, तो आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। तो ये आगे हम अपने एमएस टीम पर, तो यहाँ से हम लेते हैं अपनी एक मीटिंग लेते हैं एमएस टीम मीटिंग स्टार्ट ज्वाइन। ये मीटिंग स्टार्ट हो गई है, अब हम इसमें अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ये ऑप्शन आता है स्टार्ट रिकॉर्डिंग, तो आप देख पा रहे हो ऊपर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। हमें अब हमारी जो भी इसमें कॉल्स हो रही है, पॉपअप भी आ गया है, उसके अंदर जो भी हमारी वीडियो ऑडियो दोनों रिकॉर्ड हो रही है। चलो इसको स्टॉप करते हैं, स्टॉप रिकॉर्डिंग। और मान लो हमने अभी मीटिंग को लीव किया है, तो आप देख रहे हो कि नीचे मीटिंग लीव होते ही यहाँ पे नीचे मैसेज आ रहा है मीटिंग रिकॉर्डिंग हैज स्टॉप्ड सेविंग रिकॉर्डिंग ऑन माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम। तो यहाँ पे हमारी रिकॉर्डिंग अभी सेविंग हो रही है, जैसे वो सेव हो जाएगी उसके बाद वो रिकॉर्डिंग हमें यहाँ पे डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो उसके बाद हम उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारी रिकॉर्डिंग दोस्तों सेव हो चुकी है, अब हम इसको डिलीट कर रहे हैं। उस पर हम यहाँ वाले जो ये तीन डॉट है इस पर हम क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पे, उसके बाद ये वाला पहला ऑप्शन आता है ओपन इन माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम। तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम का जो लिंक है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों ओपन होने के बाद ये हमारी रिकॉर्डिंग यहाँ पे शो हो रही है। तो इस रिकॉर्डिंग को हम यहाँ से, ये जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे हमें ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ से हम इसको डिलीट कर रहे हैं, डिलीट दिस वीडियो। तो ये हमारी वीडियो जो सक्सेसफुली डिलीट हो चुकी है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी कि कैसे उसको हम डिलीट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।